हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीर और मैं आ गया हूं आज फाइनली हरिद्वार में और मैं अभी खड़ा हूं हर की पौड़ी में। अब मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा नदी बह रही है, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है मेरे पीछे, कितने लोग आए हुए हैं। तो मेरी दूसरी तरफ से शिव जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति और हजारों के तादाद में काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर और कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं यहाँ पर। गंगा नदी बह रही है और इस तरफ आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगे। मैंने फाइनली ये कैप ले ली है और आपको यहाँ पे बर्गर भी मिल जाएगा खाने को। गाइस, फाइनली हम गंगा नदी में डुबकी लगा ली है, काफी अच्छा लगा है, काफी ठंडा था पानी। गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अभी हरिद्वार, तो चलते हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी अकेले ही होगी तो हर की पौड़ी जाने के लिए 150 से 200 रुपये 250 रुपये ले रहे हैं ये अभी। तो मैं अभी आगे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या रेट पड़ती है आगे की टैक्सी। तो गाइस, मैंने फाइनली रिक्शा कर लिया है 70 रुपीज़ में, इसका आज मज़ा लिया जाए। मैं टेम्पो कर रहा था लेकिन टेम्पो वाले ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन अंकल जी ने एकदम सही बोला रेट, तो फाइनली मैं इसमें बैठ के जा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको टेम्पो और ई रिक्शा और रिक्शा वाले मिल जाएंगे, अगर आपको जो भी पसंद हो उसमें आप जा सकते हैं हर की पौड़ी। पैदल भी जाना हो तो आप पैदल भी जा सकते हैं हर की पौड़ी तक। आप देख सकते हैं कितने लोग पैदल जा रहे हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे कितनी भीड़ है। और यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप कुछ भी सुबह सुबह का नाश्ता वास्ता सब कुछ कर सकते हैं, प्रसाद मिल जाएगी आपको यहाँ पर, और होटल है, ढाबे हैं, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ। आइसक्रीम वाले भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, और परांठे भी बन रहे हैं सुबह सुबह। अगर आपको गंगा जल घर लेके जाना है तो आपको बोतल्स मिल जाएगी। अंकल, ये बोतल क्या क्या रेट की है? 30 की 50 की। आपको कपड़ों की शॉप भी मिल जाएगी, छोले कुलचे। आपको घर लाए काफ़ी कुछ सामान मिल जाएगा गाइस यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी लेना हो डेकोरेशन के लिए, मंदिर के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पे टैटू भी बना सकते हैं। भैया, क्या रेट लेते हो टैटू के? 100 रुपये। गाइस, आपको यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी और वो रही गंगा नदी। गाइस, आप देख सकते हैं गंगा नदी। गाइस, अगर आप हरिद्वार आते हैं तो आप यहाँ पे काफ़ी कुछ देख सकते हैं, अपनी पूजा करवा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको होटल, रेस्टोरेंट काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है। अब मैं गंगा नदी के पास जा रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में आप जो गंगा नदी देख रहे हो, यहाँ का भाव थोड़ा कम है, तो यहाँ पर कोई भी आके
छोटा या बच्चा हो आराम से यहाँ नहा सकता है। मेरे पीछे आपको शिव जी की मूर्ति दिख रही होगी बहुत बड़ी। अगर आपको उस तरफ जाना है तो आपको यहाँ गंगा नदी दिख जाएगी राइट हैंड में, और इसके साइड साइड आप चलते जाइए और आपको वो रास्ता मिल जाएगा। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो पूजा करा रहे हैं गंगा नदी के पास, आप देख सकते हैं। और जो ये लेडी है वो पिंड दान कर रही है आई थिंक। गंगा नदी क्रॉस करने के बाद मेन रोड आ जाएगी, और मेन रोड से आपको सीधा सीधा जाना है इस रोड पे, और फिर ये पुल आ जाएगा, पुल से सीधा सीधा जाना है उस मूर्ति की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक तरफ है गंगा नदी और मेरी दूसरी तरफ है शिव जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहे। गाइस जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे सामने आपको एक और ये पुल दिखेगा, पुल से आप स्वामी विवेकानंद पार्क आएगा, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिख जाएगी सामने। तो मैं अभी मूर्ति के पास ही जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मूर्ति कितनी बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कह सकते हैं ऑसम, एकदम परफेक्ट। गाइस ये है शिव जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति और ये है हरिद्वार में, और अगर आप हरिद्वार आते हैं गंगा नदी का स्नान करने आते हैं तो यहाँ पे आप इस मूर्ति को दर्शन करने जरूर आए। आपको यहाँ पे स्वामी विवेकानंद पार्क मिल जाएगा, वहाँ पे ये बहुत बड़ी मूर्ति लगी है शिव जी की, और यहाँ पे आप उनका दर्शन करने आ सकते हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है और मतलब किस तरीके से इसे बनाया होगा, इतना औसम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये मूर्ति। चलिए इसको पास से और देखते हैं। हमारे पीछे है शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति और ये है पंडित जी जो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं। और तो पंडित जी मुझे बताएंगे कि ये कब बना और ये कितना फुट का है? ये 108 फुट का। तो ये कब बना था? ये 2001 से शुरू हुआ था, 2003 में बनकर चालू हो गया था। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति है कह सकते हैं इसे? नहीं, इससे बड़ी भी बताते हैं। इससे बड़ी भी बताते हैं। तो क्या है, आप यहाँ पे पूजा भी करवाते हैं ना? गाइस अभी सावन का महीना है और यहाँ आना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अभी इस सावन के महीने मैं हूँ हर की पौड़ी में, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है मेरे पीछे, कितने लोग आए हुए हैं, और आज संडे हैं तो काफ़ी लोग आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। गाइस आप देख सकते हैं गंगा नदी का कितना अच्छा नज़ारा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ आके, काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। फाइनली हम गंगा नदी में डुबकी लगा लिए, काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी ठंडा था पानी और ठंडा है, प्योर लगाएंगे। छलांग लगा रहे हैं लोग, छलांग, और ये ठीक है भाई, पकड़ ले, इधर कर, इधर इधर कर, ठीक है। ओ अरे वो माला माला संजय माला गई उसकी मारा। और ये हमारे भाई है संजय, ये जो बहुत बड़ी डुबकी लगा रहे हैं ना, ये भाई है। ओके गो, क्या बात है, हमारी तो फटती है भाई, मेरी तो फटती है भाई। मैंने बना लिया। फ्रूट्स खाने हो तो आपको 20 रुपए की प्लेट मिल जाएगी, आराम से खा सकते हैं। Yeah.
ये देख सकते हैं गाइस, इसका नज़ारा कुछ अलग ही है। अगर गाइस आपको अगर पूजा करवानी हो तो यहाँ पे पूजा भी होती है। गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे ट्रिप कर लिया है हरिद्वार का, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यहाँ पर आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, तो काफ़ी आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने काफ़ी एंजॉय किया, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।